नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कलकत्ता हाईकोर्ट बिक गया है कहने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। वकीलों के एक समूह ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी द्वारा उच्च न्यायालय के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। सीएम ने कथित तौर पर कहा था कि हाईकोर्ट को बिक गया कहा है। यह टिप्पणी कथित तौर पर नकदी के बदले स्कूल में नौकरी मामले में अपने फैसले में लगभग 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर की गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने आज मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्यमय भट्टाचार्य की खंडपीठ से मुख्यमंत्री के खिलाफ उनके अवमाननापूर्ण बयानों के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। भट्टाचार्य ने कहा कि मैं प्रार्थना प्रस्तुत कर रहा हूं कि स्वतः संज्ञान लिया जाए, जब तक कोर्ट इस पर सख्त नहीं होगा। आचार्य ने प्रस्तुत किया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि स्वतः संज्ञान लिया जाए, जब तक कोर्ट इस पर सख्त नहीं होगा। अगर मुझे याचिका दायर करनी है तो मुझे महाधिवक्ता की अनुमति लेनी होगी, जो किसी भी समय नहीं दी जाएगी। मैं एक हलफनामा दायर कर सकता हूं कि ये बयान है, लेकिन कृपया इस पर संज्ञान ले, अन्यथा हर अदालत हम पर हंस रही है। क्या हो रहा है, उच्च न्यायालय को खरीद लिया गया है ऐसा कहा जाता है। हम आधी रात की मेहनत के बाद माननीय न्यायालय के समकक्ष मामले की सुनवाई करते हैं। अब कोई आरोप लग रहा है कि उच्च न्यायालय और पूरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भेज दिया गया है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि जनता की नजरों में अदालत को नीचा दिखाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगातार ऐसे बयान दिए जाते रहे हैं। इस बीच कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिका दायर की जा सकती है ताकि मामले में रिकॉर्ड पर कुछ हो। भट्टाचार्य ने आश्वासन दिया कि वह मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर रिपोर्ट साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। वरिष्ठ वकील ने कहा कि वह दोपहर 2 बजे तक जरूरी कार्रवाई करेंगे। इस बीच दो अन्य वकीलों ने मामले में याचिका दायर करने की मांग की। एक वकील ने भी एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी कथित दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक टिप्पणियों के लिए कार्रवाई की जाए। दोपहर में जब मामला उठाया गया तो अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति दे दी और मुख्यमंत्री की विवादास्पद टिप्पणियों पर भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत मीडिया रिपोर्टों को रिकॉर्ड पर ले लिया। इसके बाद कोर्ट ने बताया कि आगे की कार्रवाई से पहले मामले से संबंधित सभी कागजात प्रशासनिक पक्ष की ओर से मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष रखे जाएंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में की गई शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की लगभग 24,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने भर्ती को अवैध ठहराते हुए 24,000 उम्मीदवारों को अवैध भर्ती के बाद प्राप्त वेतन वापस लेने का आदेश दिया था।